हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फ्रांसिस बेकन की वर्क्स। इन्होंने क्या क्या रचनाएं की थी, तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देकर हम शुरू करेंगे इनके वर्क्स के बारे में। फ्रांसिस बेकन 1561 टू 1626। चलिए इनके वर्क्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसिस बेकन एक स्टेट्समैन थे, राजनेता, फिलोसोफर थे और एथिस्ट थे, सोशल थिंकर, चिंतक के तौर पर। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मेटिव माइंड्स इन द यूरोपियन हिस्ट्री थ्रू आउट ड्यूरिंग द लास्ट 400 ईयर्स। 400 सालों के इतिहास में, यूरोप के 400 सालों के इतिहास में फ्रांसिस बेकन सबसे ज़्यादा फॉर्मेटिव माइंड के व्यक्ति थे। एज अ प्रोज राइटर, बेकन हैड एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश रेशनल एक्सप्रेशन। प्रोज राइटर के तौर पर फ्रांसिस बेकन ने इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी तार्किक अभिव्यक्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। द कम्बिनेशन ऑफ थाट विद मीडियोक्रिटी ऑफ कंडक्ट प्रोवोक द पोएट पोप्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। एलेक्जेंडर पोप ने फ्रांसिस बेकन के बारे में कहा था कि ही वॉज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। बेकन के फिलोसफिकल वर्क्स में तीन बुक शामिल हैं, जिसमें पहली है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो 1605 में आई थी, एन एक्सप्रेशन सॉरी एक्सपेंशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग डी अगमेंटिस साइंटेरम 1623 में आया था। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग को ही एक्सपेंड करके डी अगमेंटिस साइंटेरम बना दिया गया था। नेक्स्ट है नोवम ऑर्गेनम जो 1620 में आई थी। बेकन की इन सैचुरेटियो मैग्ना जो कि काफ़ी बड़ा वर्क था, ये अधूरा रह गया यानी कि लेफ्ट अनफिनिश्ड, पूरा नहीं हुआ था। इन सैचुरेटियो मैग्ना में डी अगमेंटिस एंड नोवम ऑर्गेनम इसके पहले दो पार्ट्स थे, इनमें और भी पार्ट्स थे लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण थे, डी अगमेंटिस और नोवम ऑर्गेनम। अपार्ट फ्रॉम एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग हिज फेमस वर्क्स ऑफ इंग्लिश आर हिस्ट्री ऑफ हेनरी सेवेंथ जो 1622 में आया था, न्यू अटलांटिस 1626 में आया था। न्यू अटलांटिस इज एन अनकम्प्लीटेड स्टडी ऑफ एन इमेजिनरी कल्चर डोमिनेटेड बाई नेचुरल फिलोसफर्स। तो न्यू अटलांटिस इनका यूटोपियन वर्क है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बेकन की एसेज हैं, इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उनके एसेज के बारे में। द फर्स्ट एसेज इन इंग्लिश दे डी नॉट रिजेंबल द एक्सटेंडेड फ्लेक्सिबल सर्चिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ द फॉर्म माउंटेन। माउंटेन को फादर ऑफ एसे कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। ये कहा जाता है कि द फर्स्ट एसेज इन इंग्लिश फ्रांसिस बेकन ने जो पहले एसेज अंग्रेजी में लिखे थे वे माउंटेन के एक्सटेंडेड फ्लेक्सिबल सर्चिंग इन्वेस्टिगेशन टाइप के एसेज नहीं थे जैसा कि माउंटेन लिखा करते थे, बट ओ टू द टर्स ऑब्जर्वेशंस ऑफ द लैटिन राइटर सेनेका। फ्रांसिस बेकन ने सेनेकन मॉडल पर, जिस तरह से सिनेका टर्स ऑब्जर्वेशंस को फॉलो करते हुए लिखते थे, उसी तरह फ्रांसिस बेकन भी लिखते थे। द एडिशन ऑफ 1597 ओरिजिनली रिजेंबल्ड अ कलेक्शन ऑफ एफोरिज्म्स। बेकन के एसेज का फर्स्ट कलेक्शन 1597 में आया था जो ज़्यादातर एफोरिज्म्स के फॉर्म में था। एफोरिज्म क्या होता है, एक कहावत होती है लैटिन में या इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में एक सेंटेंस होता है
टर्स रिमार्क, पिथी रिमार्क, इसको एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। तो इनके एसेज एफोरिस्टिक स्टाइल में थे। दीज एसेज वर एक्सपेंडेड एंड इंक्रीज इन नंबर अंटिल द फाइनल एडिशन ऑफ 1625। फ्रांसिस बेकन के एसेज के तीन एडिशन आए थे, एक 1597 में जिसमें 10 एसेज थे, सेकंड आया था इनका 1612 में जिसमें 38 एसेज थे, और लास्ट फाइनल एसे आया था कलेक्शन ऑफ एसेज 1625 में जिसमें 58 एसेज थे, बट कंटिन्यू टू एग्जिबिट एफोरिस्टिक स्टाइल। इनके सारे एसेज एफोरिस्टिक स्टाइल में ही थे, यानी कि कहावत के रूप में थे, विच काज्ड द सेंटेंस टू बी कोटेड इन अ स्टाइल ऑफ प्रोवर्ब। इनके एसेज के जो सेंटेंसेस थे वो प्रोवर्ब्स के तौर पर थे, जैसे कि मैन फियर डेथ एज चिल्ड्रन फियर टू गो इन द डार्क, इस तरह के सेंटेंसेस इनके एसेज में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो एलटी ग्रेड के सिलेबस में फ्रांसिस बेकन के दो एसेज हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, उनको थॉरली एनालाइज करेंगे। तो ये था फ्रांसिस बेकन के वर्क्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फ्रांसिस बेकन के लाइफ और वर्क्स की क्रोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।